बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार नए थानों का विस्तार कर रही है। अगर बात करें राजधानी पटना जिले की, तो जिले में अब तक कई नए थाने का उद्घाटन किया जा चुका है। इसी कड़ी में पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के पिपलावा गांव में बने नए ओपी थाना का विधिवत उद्घाटन पटना TSP राजेश कुमार ने किया। इस दौरान फुलवाड़ी शरीफ ASP विक्रम सिंह आग ने नौबतपुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज और नए पिपलावा थाना के थाना अध्यक्ष रवि राम के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं उद्घाटन के मौके पर पटना पश्चिम सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि 2007 से बिहार सरकार के तरफ से नौबतपुर थाना से सटे पिपलावा थाना की शुरुआत को लेकर अधिसूचना जारी किया गया था। इसी के अलावा जमीन को भी चिन्हित किया जा चुका है और नए भवन का काम भी लग चुका है, लेकिन अभी शुरू में थोड़ा समय लगेगा। इसी को लेकर एक निजी भवन में थाने की शुरुआत की गई है। इस थाने इलाके में कुल 5 पंचायत होंगे, जिससे अब अपराध पर लगाम लग सकेगा। इस मौके पर जैतीपुर पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार, समाज सेवी चुनमुन शर्मा, विपिन गोप, अशोक सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सर, लगातार नए नए थाने का उद्घाटन कर रहे हैं, देखिए पहले से ये जो पिपलावा थाना है ये 2007 में अधिसूचित हुआ था और इसमें 5 पंचायत थे और भी गांव का नोटिफिकेशन पहले से दिया हुआ था। ये 2007 से में नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन कार्यारंभ जो है नहीं हो पाया था। ये जो एक तरह से नौबतपुर थाने के अंतर्गत ही चल रहा था। अभी पुलिस मुख्यालय से और सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ कि जितने भी पुराने थाने जिनका नोटिफिकेशन हुआ है उसे शुरू किया जाए। आप जैसा जानते होंगे कि इसकी ऑलरेडी ज़मीन जो है चिन्हित की जा चुकी है और कंस्ट्रक्शन वर्क भी वहाँ पर शुरू हो गया है, तो उसी के तहत जो है ये पिपलावा थाना जो है शुरू किया गया है। और क्योंकि जैसा आपको विदित होगा कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है मतलब पटना ज़िला में, और नौबतपुर का इलाका बहुत बड़ा था, ऑलरेडी सरकार के द्वारा पहले से निर्णय लिया गया था कि पिपलावा थाना को जो है शुरू किया जाए, उसी के अंतर्गत जो है कार्यारम्भ आज से शुरू किया जाए। यहाँ कितने सर पदाधिकारी होंगे और क्या प्रभारी की प्रतिनिधि हो चुकी है? देखिए ऑलरेडी जो अधिसूचना है उसमें 4 पदाधिकारी और 16 पुलिसकर्मी की पहले से अधिसूचित इसमें किया गया है, तो अभी एट प्रेजेंट हम लोगों ने यहाँ पे 4 पदाधिकारी की प्रतिनिधि प्रस्थापित किया। 40 गांव अधिसूचित हैं, इन सभी गांवों के अंदर हमने थाना की तरफ से जो भी सेवाएं बताओ देखने को मिलेगा, जो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम है वो आप 50% कम हो जाएगा। पहले लाभार पहुँचने में 45 मिनट लगभग लग जाता था, वो अभी घंटे लगभग 15-20 मिनट हो जाएगा। 15-20 मिनट में जो थाना अपना एरिया है वो कहीं भी जा सकता है। दूसरा इसका एक फायदा ये होगा कि जो शहरी क्षेत्र के आसपास का ये एरिया होने की वजह से यहाँ पर क्राइम है वो हमेशा संदेहास्पद स्थिति रहती है कि क्राइम कभी भी हो सकता है इस एरिया में। ऐसी स्थिति में जब आस पास थाना रहेगा उससे जो क्राइम कंट्रोल है उसमें भी बहुत सहायता मिलेगी। दूसरा जो ये एरिया है वो एकदम जो शहरी क्षेत्र उससे काफ़ी दूर हो जाता है। जैसे ही नया थाना खुलेगा तो थाना की जो आसपास की जो इकोनॉमी है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक उछाल आएगा। आसपास के लोग फिर महसूस करेंगे, बिजनेस नया समय बड़े उद्योग खुलेंगे और जो आसपास जो बैंक हैं वो आना चाहेंगे और जो लोगों के जो शॉप होते हैं वो लोग खुलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आम जनता को मिलेंगी। साथ ही जो कॉमन पब्लिक है उसको जो अपना केस रजिस्टर करने के लिए पहले नौबतपुर जाना पड़ता था वो आप ईजी हो जाएगा। दूसरा ये कि पुलिस की कई बार कैरेक्टर वेरिफिकेशन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए भी दूर जाना पड़ता था, वो भी अब पास हो जाएगा।